हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि रिविट आर्किटेक्चर के अंदर जो स्लांटेड वॉल होती है वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है और आप कैसे उस पर डोर और विंडो को फिट कर सकते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास है ऑटोडेस्क रिविट 2022 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। हम न्यू पे क्लिक करते हैं और एक डिफॉल्ट टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वॉल लेते हैं, लेवल 2 पे हाइट कर लेते हैं और यहां से हम एक चार वॉल को क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आपकी वॉल आ जाएगी। ओके, अब आपको करना क्या है कि आपको मान लो किसी भी एक सिंगल वॉल को क्लिक करके इसको स्लांटेड करना है, स्लोप में करना है। तो यहां पे इसके एक पास एक ऑप्शन आएगा क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन आप इसका कर सकते हो स्लांटेड। स्लांटेड पे क्लिक करो और यहां पे डाल सकते हो कि एंगल कितना चाहिए। जब आप यहां पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि पैरामीटर कैसे आप यूज कर सकते हो। माइनस में डालोगे बाहर की तरफ आएगा, पॉजिटिव में डालोगे तो अंदर की तरफ आएगा। अगर मैं इसको 15 डिग्री का यहाँ पे स्लांट देता हूं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो 15 डिग्री पे आपकी ये वॉल अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे एंगल दिखाएगा, यहां से भी एंगल चेंज कर सकते हो कि 25 डिग्री पे मुझे चाहिए। जितने डिग्री पे आप करोगे उतनी डिग्री पे आ जाएगा। सभी चाहिए तो सभी को सिलेक्ट करके आप इसे स्लांटेड कर सकते हो और आप इसे 25 डिग्री करोगे तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे वॉल आ जाएगी। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, दो तीन को हटाता हूँ कि मेरे को ये वर्टिकली चाहिए, या फिर मैं इन दोनों को हटा देता हूँ कि ये मुझे वर्टिकल चाहिए। ओके, दो वर्टिकल है मेरे पास, दो स्लांटेड है। ओके, उसके बाद है कि ऐसा चीज के बाद अगर हमें, अब पहले अगर हम इस चीज को बनाना होता तो हम कैसे बनाते, उस चीज को हम बनाते मासिंग की साइड से। 2022 से पहले अगर हम ये चीज बनाते तो मासिंग की साइड से बनानी पड़ती। तो हमें इन प्लेस मास पे जाना था, क्लोज, ओके, एंड यहां से हम एक प्रोफाइल बनाएंगे लेवल 1 पे। मान लो ये प्रोफाइल लेवल 1 पे बनाया और उसके बाद लेवल 2 पे हम सेम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और उस अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसे सॉलिड फॉर्म में क्रिएट करेंगे। अब आप यहां से क्रिएट करके आप डाल सकते हो कितने एंगल पे मुझे यहाँ पे चाहिए। मान लो सेम प्रोफाइल मैं अगर यहां से बनाता हूं और फिनिश करता हूं तो अब आपके पास मासिंग आ गई। अब आप मासिंग एंड साइड पे जाके वॉल पे क्रिएट करके आप यहाँ पे वॉल बाई फेस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? और इसको आप यहां से हटाएं तो आपको इस तरीके से दिख जाएगी आपकी वॉल। ओके, तो ये बनाया स्लांटेड वॉल की हेल्प से, ये बनाया मासिंग की हेल्प से। अब दोनों में डिफरेंस क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्लांटेड वॉल पे अगर हम कोई विंडो प्लेस करते हैं, डोर प्लेस करते हैं, विंडो पे क्लिक किया और ये आपकी स्लांटेड है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी विंडो आई यहाँ पे। डोर अगर आप लोगे और यहाँ पे प्लेस करोगे तो इस तरीके से आपकी डोर आएगी। बट अगर आप चाहते हो कि सरफेस के अकॉर्डिंग ही मेरा डोर या विंडो लगे तो आप विंडो पे क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओरिएंटेशन का, वर्टिकल है यहाँ पे। अगर आप स्लांटेड करोगे तो आपके इसके स्लोप के अकॉर्डिंग आपकी विंडो एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप इसे भी स्लांटेड करोगे तो ये भी स्लोप के अकॉर्डिंग आपकी एडजस्ट हो जाएगी। बट अगर आप यही चीज आप यहाँ पे लगाते हो, डोर और विंडो अगर आप इस पे लगाते हो तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा कि आप क्लिक करके यहाँ पे ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप यहाँ पे लगाते हो, अगर आप ये चीज वर्टिकल वॉल पे भी करते हो कि अगर आपके पास एक वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यह वर्टिकल है, अगर इसके ऊपर आप यह डोर या विंडो लगाते हो, मान लो ये आपने बनाया और यहाँ पे विंडो लगाया, तो आप देखोगे इन पे क्लिक करके इनके वहां पे भी ओरिएंटेशन का ऑप्शन नहीं आएगा। ओरिएंटेशन का ऑप्शन तब भी आएगा जब आप एक स्लांटेड वॉल पे डोर या विंडो प्रोवाइड करोगे। ये स्लांटेड वॉल है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे अब यहाँ पे ओरिएंटेशन आएगा वर्टिकल या स्लांटेड, तभी आप इस चीज को यहाँ से यूज कर पाओगे। तो ये था आपका स्लांटेड वॉल कैसे आप बना सकते हो। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन भी देखना चाहते हो कि अगर आप इसका सेक्शन काट के देखना चाहते हो तो यहाँ से आप सेक्शन कट करके भी देख सकते हो। ये आपने सेक्शन कट किया और यहाँ से आप देख सकते हो कि इस तरीके से बिल्कुल जो वॉल है वॉल के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे वॉल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं इसे वर्टिकल कर दूंगा तो आपका डोर इस तरीके से दिखाएगा, अगर मैं इसे कर दूंगा स्लांटेड तो आपका इसके वॉल के अकॉर्डिंग दिखाएगा। जितना भी मैं वॉल का एंगल चेंज करूँ वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। क्लियर? तो ये है आपका रिविट
2022 के अंदर जो स्लैंटेड वॉल का एक न्यू ऑप्शन है वो कैसे वर्क करता है और कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जरूरी हो तभी घर से निकलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।